देवेन वर्मा भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों के जाने माने हास्य अभिनेता थे। उन्होंने फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों को गुदगुदाने के लिए मजबूर कर दिया था। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने अंगूर, हलचल, गोलमाल, खट्टा मीठा, कोरा कागज, कभी कभी जैसी लगभग 149 फिल्मों में काम किया। देवेन अशोक कुमार के दामाद थे। दाना पानी, बेशरम, बड्ढा कबूतर और नादान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया। देवेन वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को कच्छ, गुजरात में हुआ था और उनका पालन पोषण पुणे में हुआ था। उनके पिता बलदेव सिंह वर्मा का चांदी का कारोबार था। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से शादी की। देवेन वर्मा ने राजनीति और समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि नोरोजवाड़िया कॉलेज फॉर आर्ट्स एंड साइंस पुणे विश्वविद्यालय से 1953 से लेकर 1957 तक अध्ययन किया। उन्होंने 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह फिल्म बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले फिल्म बनी थी। इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था जिस पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं गया। 1964 में आई फिल्म सुहागन में उनके अभिनय पर निर्माताओं की नजरें इनायत हुईं। देवर फिल्म में उनका निगेटिव रोल था तो दूसरी फिल्म मोहब्बत जिंदगी है में उन्होंने हास्य भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई। यह समय देवेन वर्मा के लिए निर्णायक था। उन्हें कॉमेडी या खलनायकी में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने कॉमेडी की ओर अपनी दिलचस्पी दिखाई। देवेन वर्मा के अभिनय की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वे बड़ी आसानी से किरदार को अपने अंदर उतार लेते थे। वह फिल्मी जीवन में सिर्फ अभिनय करने ही नहीं आए थे, उन्हें निर्माता निर्देशक बनकर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को भी दर्शाना था। उसकी प्रमुख फिल्में धर्मपुत्र, आज और कल, गुमराह, सुहागन, कव्वाली की रात, अनुपमा, खामोशी, गुड्डी, बुड्ढा मिल गया, मेरे अपने, अन्नदाता, धुंध, कोरा कागज, चोरी मेरा काम, कभी कभी, चोर के घर, चोर, गोलमाल, लोक परलोक, 100 दिन सास के, जुदाई कुदरत, लेडीज टेलर, सिलसिला, अंगूर, रंग बिरंगी झूठी, चमत्कार, क्या कहना, खट्टा मीठा, देवेन वर्मा बड़े पर्दे पर आखिरी बार कलकत्ता मेल फिल्म में नजर आए थे। मशहूर कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्होंने आज के सुपरस्टार आमिर खान के पिता की भूमिका निभाई थी। देवेन वर्मा को फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चोरी मेरा काम, अंगूर चोर के घर चोरी के लिए मिला और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। जुदाई 1980 में देवेन वर्मा की मृत्यु 77 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण 2 दिसंबर 2014 को हुआ। तो दोस्तों, देवेन वर्मा जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।